हरिद्वार में आज गंगा दशहरा का स्नान है और हरिद्वार में अगर ट्रैफिक की अगर व्यवस्था देखोगे तो आप पूरी तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। तमाम जो लोग हैं जो दूर दराज से स्नान करने आ रहे हैं वो घंटों घंटों जाम में फंसे हुए हैं, जबकि जो पुलिस प्रशासन है उसका यह दावा है कि पूरी तरह से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया था, डाइवर्ट किया गया था। उसके बावजूद भी आप हरकी पौड़ी के आसपास का नज़ारा देखेंगे तो जो घंटों जाम में लोग फंसे हुए हैं वो बेहाल है, गर्मी अलग है और लोग लगातार जाम की स्थिति से परेशान हो रहे हैं। ट्रैफिक का कोई बेहतर प्लान ना होने की वजह से लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और देखिए किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो जाम में फंसे हुए हैं, घंटों घंटों जाम लगा हुआ है। क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा मिला है 12 बजे तक का, उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 20 लाख के करीब श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान कर चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी वजह से ट्रैफिक जाम है क्योंकि इससे आगे जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर वाहन जा रहे हैं, उसके अलावा अलग अलग जगह पर वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति पूरे हरिद्वार की बनी हुई है, शहर में भी इस तरह का माहौल बना हुआ है और जो हाईवे है वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है लगातार, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, चारधाम यात्रा पर तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी अगर स्थिति देखी जाए तो आज गंगा दशहरा का स्नान है और गंगा दशहरा के स्नान के लिए भी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ हरिद्वार के तमाम जो चौराहे हैं या उसके अलावा अंदर का एरिया है, मार्केट का एरिया है या हाईवे की बात की जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। सुबह से लगातार जाम बना हुआ है जिसमें जाम में लोग फंसे हुए हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी मनवर रावल के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।